हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं डार्क पैशनेट लव का एपिसोड नंबर 16। कॉर्नर में खड़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि दादी थी। दादी शाश्वत को सुकून के रूम से बाहर निकलते देख हैरान रह गई थी। उन्हें तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो कुछ सेकंड तक अपनी जगह पर ही खड़ी रही और फिर चलते हुए शाश्वत के रूम की तरफ बढ़ गई। वही शाश्वत अपने रूम में आकर यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहा था। उसके अंदर की बेचैनी अभी कम ही नहीं हो रही थी। शाश्वत जितना खुद को समझाने की कोशिश करता, उसके अंदर की बेचैनी और घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। उसे ना जाने क्यों कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसी समय उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा, जिसे महसूस करते ही शाश्वत चौंक गया। वो पीछे मुड़ा तो देखा दादी खड़ी थी। दादी को अपने सामने इतनी रात में देख शाश्वत की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। दादी आप यहाँ, वो भी इस वक्त इतनी रात को, क्या आप अभी तक सोए नहीं? शाश्वत ने हैरान होते हुए अपनी दादी से एक के बाद एक कई सारे सवाल कर लिए। वहीं दादी शाश्वत के चेहरे को ही देख रही थी। कुछ सेकंड बाद दादी शाश्वत की तरफ देखते हुए बोली, क्या बात है, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? तुम्हें कोई परेशानी है बेटा? अरे नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही ऑफिस के कुछ काम थे, उसी में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। बस मैं इसलिए थोड़ा परेशान था, और कोई बात नहीं है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। शाश्वत अपनी दादी की तरफ देखते हुए अटक अटक कर बोला। शाश्वत अपने दिल की कसमकस को दादी के सामने आने नहीं देना चाहता था। वहीं दादी शाश्वत की बातों को सुनकर समझ गई। वो शाश्वत के चेहरे को पकड़ कर बोली, बेटा मैं तुम्हारी दादी हूँ, यानी कि मैं तुम्हारे पापा की भी माँ हूँ, और मैं तुम्हारे चेहरे को ही देखकर सब समझ जाती हूँ कि कब तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तो इसलिए अपनी दादी से झूठ तो मत ही बोलो। तुम्हें सुकून की याद आ रही है ना? जैसे ही शाश्वत ने दादी की बात सुनी, वो बिल्कुल बुरी तरह से चौंक गया। वो आंखें बड़ी किए दादी की तरफ देखते हुए बोला, दादी ये आप क्या बोल रहे हो? भला मैं क्यों उस लड़की को याद करूंगा? मुझे उस लड़की से कोई लेना देना नहीं। मुझे तो लगता है आप उस लड़की को इतना याद कर रही हो कि अभी तक आप सोए भी नहीं। यही बात है ना दादी, और आप मुझ पर ये सब लगा रही हो। शाश्वत की बात सुनकर दादी उसे घूरने लगी और फिर बोली, तू अब मेरे सामने झूठ बोलेगा? बेटा मैं तेरी दादी हूँ, अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं मैंने। मैं तुम्हें देखकर ही अच्छे से बता सकती हूँ कि इंसान के मन में क्या चल रहा है, तो इसलिए मुझसे झूठ बोलने की तो कोशिश मत करना। दादी आप ये क्या बोले जा रही हो कब से? मुझे तो कुछ भी आपकी बात समझ नहीं आ रही। शाश्वत अपनी नजरों को इधर उधर घुमाते हुए अपनी दादी से बोला, क्योंकि शाश्वत जानता था कि जिस पल उसने दादी से नजरें मिलाकर कुछ कहा, उसी पल दादी उसकी चोरी पकड़ लेगी। वहीं दादी ने शाश्वत के चेहरे को एक बार फिर से पकड़ा और बोली, मेरी आंखों में देखकर बता क्या सोच रहा है, सुकून को याद कर रहा है? वैसे सुकून बच्ची थी ही इतनी प्यारी, और मुझे ये भी पता है कि तू भले ही उससे नफरत करता था और उससे हर वक्त झगड़ा करता रहता था, पर कभी भी तूने उसका दिल से बुरा नहीं चाहा। वरना अगर तू चाहता तो सुकून को उसी दिन घर से बाहर निकाल देता जिस दिन पहली बार तूने उसे देखा था, पर तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं तू भी सुकून की अच्छाइयों से वाकिफ था, और तू सुकून को देखकर उस पर गुस्सा नहीं कर पाया पहले। कहीं तू उससे अटैच तो नहीं हो गया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दादी, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मैंने तो सिर्फ आपके लिए उस लड़की को यहाँ से नहीं निकाला, वरना मैं उसे पहले ही दिन घर से धक्के मारकर निकाल देता। पर मुझे पता था आप उसे बहुत मानती हो और आपका उसके साथ कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया था। फिर मैं उसे घर से निकाल देता तो शायद आप बहुत परेशान होती, जैसे अभी आप उसको सोच सोच के इतनी परेशान हो कि इतनी रात तक आप सोए नहीं हो। शाश्वत ने दादी के हाथ को पकड़कर तुरंत बोला। वहीं दादी अब कुछ नहीं बोली, वो बस शाश्वत के चेहरे को निहारती रही। बस बेटा बस, और कितना झूठ बोलेगा? तेरा चेहरा साफ बता रहा है कि तू सुकून के लिए कितना बेचैन है, उसे देखने के लिए पागल हुए जा रहा है, पर तू कभी भी मेरे सामने जाहिर नहीं करेगा। पर मैं भी तेरी दादी हूँ, मैं तुझे देखकर ही सब समझ गई, शाश्वत की दादी अपने मन ही मन बोली। फिर कुछ देर बाद वो वहां से अपने रूम की तरफ बढ़ गई। दादी के जाने के बाद शाश्वत फिर से रूम में इधर उधर चक्कर काटने लगा। अब उसके कानों में दादी की कही एक एक बात गूंज रही थी। वो बार बार खुद को समझाते हुए यही बोल रहा था कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे उस लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। ये बोलते हुए शाश्वत इधर उधर टहल रहा था। जब उससे अपनी बेचैनी और सहन नहीं हुई तो उसने ड्रॉर में से सिगरेट और लाइटर निकाला और उसे लेकर बालकनी की तरफ चला गया। उसने बालकनी में खड़े होकर सिगरेट को पैकेट में से निकाला और उसे अपने सख्त होठों के बीच दबा लिया। फिर लाइटर से जलाकर सिगरेट के लंबे लंबे कश लेने लगा।
इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। वो अपने इमोशनल लेस चेहरे के साथ एकटक आसमान की तरफ देख रहा था। आसमान में पूरा चांद खिला हुआ था और चांद के चमकते हुए सितारे को वो लगातार बस देखे जा रहा था। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। धीरे धीरे सभी अपने कामों में व्यस्त हो गए थे। वहीं शाश्वत ने खुद को सुकून की यादों से निकालने के लिए पूरी तरह से काम में डुबा लिया था, ताकि वो सुकून को याद भी ना करे। पर जब भी वो फ्री होता तो उसकी आंखों के सामने सुकून का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ जाता, जिससे वो बेचैन हो जाता था। 3 महीने बाद बहुत कुछ बदल चुका था। जहाँ सुकून श्रुति की कैद में थी, वहीं श्रुति ने खुद को अब शाश्वत के करीब लाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। वो शाश्वत के ऑफिस भी जाने लगी थी और अभी भी वो शाश्वत के ऑफिस में आकर उसे देखते हुए बोली, बेबी देखो ना, मेरे पेट में तुम्हारा और मेरा बेबी जो है वो कैसे मुझे तंग कर रहा है, और देखो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। श्रुति ने पहले ही एक ऐसा पैड अपने पेट पर लगा रखा था जिसे देखकर उसका बेबी बम्प थोड़ा थोड़ा शो हो रहा था। वहीं शाश्वत के करीब जाकर जब वो ये बातें बोलती और अपने पेट पर हाथ फिराती, तो शाश्वत को भी अब उस बच्चे के साथ थोड़ा थोड़ा लगाव होने लगा था। श्रुति शाश्वत के पास जाती और उसके हाथ को अपने बेबी बम्प पर रखते हुए बोली, शाश्वत देखो ना कैसे हमारा बच्चा ग्रो कर रहा है, और अब तो मेरा बेबी बम्प भी थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। आई थिंक हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। शाश्वत, जिसका ध्यान श्रुति के पेट पर ही था, उसने श्रुति की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और वो थोड़ा एक्साइटेड होते हुए श्रुति के बेबी बम्प के पास अपने कान ले जाते हुए उसको सुनने लगा, ताकि वो अपने बच्चे को फील कर सके। और जैसे ही शाश्वत ऐसे करता, श्रुति उससे दूर हो जाती। जब शाश्वत ने उसे घूर कर देखा तो वो बहाने बनाते हुए बोली, वो शाश्वत मुझे थोड़ी सी बेचैनी हो रही है, मैं जरा थोड़ी देर में वॉक करके आती हूँ। ऐसा करते हुए वो शाश्वत से थोड़ी दूरी बनाकर खड़ी हो गई। श्रुति हमेशा यही करती कि ताकि शाश्वत को उस पर शक ना हो। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में फर्श पर बेहाल पड़ी सुकून अपने पेट पर हाथ रखे हुए थी। उसकी आंखों से झरझर करके आंसू गिर रहे थे। वो अपने आंसुओं को साफ करते हुए अपने बेबी बम पर हाथ फिराते हुए बोली, आई एम सॉरी बेबी, आपकी मम्मा बहुत बुरी है ना, वो आपको कोई भी खुशी नहीं दे पा रही। पर बेबी मुझे भी नहीं पता था कि मेरी दी मुझे इतना दर्द देगी। मैंने तो क्या क्या नहीं सोच रखा था कि मैं अपने घर जाऊंगी, अपने मॉम डैड से मिलूंगी, फिर कभी कभी दादी से मिलने जाया करूंगी। पर देखो ना बेबी, जैसे मैं आज अपने मॉम डैड से दूर हूँ, वैसे आपको भी आपके डैड का कोई पता नहीं है। आपकी मासी को तो सब कुछ पता है कि आपके डैड कौन है, पर वो मुझे कभी नहीं बताएगी। इतना बोलकर उसकी आंखों से और भी तेजी से आंसू गिरने लगते हैं। कुछ देर बाद वो अपनी आंखों से बह रही आंसुओं को बेरहमी से पोंछते हुए खुद से बोली, पर बेबी आपकी मम्मा आपसे प्रॉमिस करती है, आपके इस दुनिया में आने के बाद मम्मा आपको हर खुशी देगी, मम्मा आपको कुछ नहीं होने देगी, आप जो बोलोगे मम्मा आपके लिए वो करेगी। पर बेबी अभी अपनी मम्मा को माफ़ कर दो, आपकी मम्मा अभी आपके लिए कुछ नहीं कर पा रही है। मैं बहुत मजबूर हूँ बेबी, काश कि मैं अपने दी के पास आई ही नहीं होती तो आज ये सब होता ही नहीं। काश कि मैं उस दिन पार्टी में दी के साथ गई ही नहीं होती तो ये सब होता ही नहीं। मैं अपने मॉम डैड के साथ खुश रहती। मुझे नहीं पता था मेरी दी ऐसी है, मुझे लगता था कि वो मुझे बहुत मानती है और प्यार करती है, पर उनके मन में तो मेरे लिए इतनी नफरत भरी हुई थी, इस बात की तो मुझे कोई खबर ही नहीं थी। अभी सुकून को और क्या क्या सहना पड़ेगा, इस बात से है सुकून अनजान। देखना है क्या शाश्वत सुकून से नफरत कर पाएगा, या उसकी दूरी और बेचैनी उसे सुकून की मोहब्बत में कर लेगी गिरफ्त। जानने के लिए सुनते रहिए डार्क पैशनेट लव के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।